कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर भी है। जी हां, नए मामलों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। भारत का कोरोना रिकवरी रेट लगातार बेहतर होता जा रहा है। कोरोना की रफ्तार पर बेशक अंकुश नहीं लग रहा, मगर बीते 9 दिनों के आंकड़ों को देखकर सुखद एहसास जरूर हो रहा है। 9 दिनों में करीब 8 दिन कोरोना के नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या कहीं ज्यादा दिखी। 26 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में मामले आए 88,600, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या रही 92,043, मौतें हुई 1,124 लोगों की। ये तो रही बीते एक दिन में नए केसों के बाद। अगर पूरे देश की बात करें तो 60 लाख के करीब मामले पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। यहां अब तक 13 लाख मामले और 34,000 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश हैं। एक्टिव केस और संक्रमितों की कुल संख्या के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर तीसरा है। जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल मामले 59,92,533 के पार पहुंच चुके हैं। एक्टिव केस हैं 9,56,402, रिकवर होने वालों की संख्या है 49,41,628, मौतें हुई हैं 94,503 लोगों की। हालांकि राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो रिकवरी रेट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मृत्यु दर की बात करें तो गिर करके 1.58% हो चुका है। एक्टिव केस भी इसी तरीके से गिरकर 16% तक आ चुका है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 82% के पार पहुंच रहा है। मगर चिंता इस बात की है कि रोजाना आने वाले मामलों की रफ्तार पर अंकुश नहीं लग रहा। बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हो या छोटे राज्यों की, हालात समान ही हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों के जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल मामले 46,281 के पार हैं। एक्टिव केस हैं 10,856, रिकवर होने वालों की संख्या है 34,649, मौतें हुई हैं 566 लोगों की। आईसीएमआर के अनुसार देश में 26 सितंबर तक कोरोना के कुल 7,12,57,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 9,87,861 नमूनों की जांच भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।